जिस शख्स का हम जिक्र कर रहे हैं उनकी कहानी कुछ पुरानी है, लेकिन आज वो जिस मुकाम पर हैं उसके पीछे किया गया संघर्ष हर युवा में कुछ ना कुछ कर गुजरने का जोश भर देगा। हम बात कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर वरुण बर्नवाल की, जो कभी साइकिल के पंक्चर की दुकान में काम किया करते थे। जानिए पैसों की कमी बिना किसी सुविधा के कैसे वरुण सबके लिए एक मिसाल बने। वरुण महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर बोईसर के रहने वाले हैं, जिन्होंने 2013 में हुई यूपीएससी की परीक्षा में 32वां रैंक हासिल किया। इनकी कहानी आम कहानी जैसी नहीं है। वरुण की जिंदगी में उनकी माँ, दोस्त और रिश्तेदारों का बहुत ही अहम रोल है। वरुण ने अपनी संघर्ष की कहानी बताते हुए कहा कि जीवन बेहद ही गरीबी में बीता। पढ़ने का मन तो था, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद मन बना लिया था कि अब साइकिल की दुकान पर ही काम करूंगा, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा कर पाना बहुत ही मुश्किल था। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने कहा कि 2006 में 10वीं की परीक्षा थी। परीक्षा खत्म होने के 3 दिन बाद पिता का निधन हो गया, जिसके बाद सोचा कि अब पढ़ाई छोड़ दूं। लेकिन 10वीं का जब रिजल्ट आया तो मैंने स्कूल में टॉप किया था। उन्होंने कहा कि मेरे घर वालों ने काफी सपोर्ट किया। माँ ने कहा, हम सब काम करेंगे तो पढ़ाई कर। उन्होंने कहा कि 11वीं 12वीं मेरे जीवन के सबसे कठिन साल रहे हैं। मैं रोज सुबह 6 बजे उठकर स्कूल जाता, जिसके बाद 2 से रात 10 बजे तक ट्यूशन लेता और उसके बाद दुकान पर हिसाब भी करता। वरुण ने कहा कि 10वीं में एडमिशन के लिए हमारे घर के पास एक ही अच्छा स्कूल था, लेकिन उसमें एडमिशन लेने के लिए 10,000 रुपए का डोनेशन लगता था, जिसके बाद मैंने माँ से कहा, रहने दो, पैसे नहीं है, मैं 1 साल रुक जाता हूँ, अगले साल दाखिला ले लूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पिता का जो डॉक्टर इलाज करते थे वो हमारी दुकान के बाहर से गुजर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने मुझसे सारी बातें पूछी, फिर तुरंत 10,000 रुपए निकाल कर दिए और कहा, जाओ दाखिला ले लो। वरुण खुद को बड़ा किस्मत वाला मानते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी 1 रुपए अपनी पढ़ाई पर खर्च नहीं किया। कोई ना कोई मेरी किताबों, फॉर्म, फीस भर दिया करता था। मेरी शुरुआती फीस तो डॉक्टर ने भर दी, लेकिन इसके बाद टेंशन थी कि स्कूल की हर महीने की इतनी ज्यादा फीस मैं कैसे दूंगा, जिसके बाद मैंने सोच लिया कि अच्छे से पढ़ाई करूंगा और फिर स्कूल के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी फीस माफ कर दी जाए। और हुआ भी यही। उन्होंने कहा कि घर की स्थिति देखते हुए मेरे 2 साल की पूरी फीस मेरे टीचर ने दे दी। फिर इंजीनियरिंग में पहले साल की 1 लाख रुपए की फीस कैसे भी करके माने भर दिया, जिसके बाद फिर वही हुआ, बाकी सालों की फीस कैसे भरी जाए। उन्होंने फिर सोचा कि अच्छे से पढ़ाई करूंगा, जिसके बाद कॉलेज के टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा और 86% अंक हासिल किए, जो कॉलेज का एक नया रिकॉर्ड था। उसके बाद एक टीचर की निगाह में आया और उन्होंने मेरी सिफारिश प्रोफेसर, डीन और डायरेक्टर से कर दी। हालांकि सेकेंड ईयर तक मेरी बात उन तक नहीं पहुंची, जिसके बाद फीस मेरे दोस्तों ने पे की। वरुण ने कहा कि मेरी प्लेसमेंट तो काफ़ी अच्छी हो गई थी, काफ़ी कंपनियां नौकरी के लिए मेरे पास आ रही थी, लेकिन तब तक मेरा मन सिविल सर्विसेज एग्जाम देने का हो गया था। मन तो बन गया था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि मैं तैयारी कैसे करूं, जिसके बाद उनकी मदद उनके एक भैया ने की। उन्होंने कहा कि जब यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो मैंने भैया से पूछा कि मेरी रैंक कितनी आई है, तो उनके भैया ने कहा 32। ये सुनकर वरुण की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें यकीन था अगर मेहनत और लगन सच्ची हो तो बिना पैसों के भी आप दुनिया का हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज वरुण एक आईएएस ऑफिसर हैं और एक अच्छी लड़की से उन्होंने शादी की, उनके बच्चे हैं और वो अपने परिवार के साथ काफी खुशीपूर्वक रह भी रहे हैं। वरुण की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं और मेहनत और लगन से हम कोई भी काम कर रहे हैं तो एक न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।